हेलो एवरीवन यू आर वेलकम टू बेस्ट नाउस ट्यूटोरियल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ए के रामानुजन ए के रामानुजन ही वाज बोर्न ऑन 16 मार्च 1919 एंड डाइड ऑन 13 जुलाई 1993 ही वाज एन इंग्लिश इंडियन इंग्लिश पोइट एंड स्कॉलर ऑफ इंडियन लिटरेचर हु इन बोथ इंग्लिश एंड कन्नडा उन्होंने कन्नड़ और इंग्लिश दोनों में लिखा अगर हम कई बार उनका नेम पूछ लिया जाता है सो

ड्यूस तो उन्होंने जो नन स्टैंडर्ड डायलेक्ट है उन पर भी काम किया दो ही रोट वाइडली एंड इन नंबर ऑफ जनराज रामानजंस पोएम्स आर रिमेंबर्ड एज़ एनिगमेटिक वर्क्स ऑफ स्टार्टिंग ऑरिजनैलिटी सोफिस्टिकेशन एंड मूविंग आर्ट हिस्ट्री तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पर लिखा है बट अलग अलग जनराज में लिखा है बट उनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है उनकी पोइम्स जिनसे उनको रिकॉग्नीशन भी मिला है एंड बेस्ट है

सच ट्रांसलेशन एंड स्टडीज़ फॉर लिटरेचर इंटीरियर लैंडस्केप उनका एक जो वर्क है इंटीरियर लैंडस्केप लव पोएम्स फ्रॉम क्लासिकल तमिल एंथोलॉजी 1967 सिक्सटी द लिटरेचर ऑफ इंडिया 1974 हिम्स फॉर द ड्राउनिंग 1981 एटी ऑफ लव एंड वॉर 1985 एटी फाइव फोक टेल्स फ्राम इंडिया औरल टेल्स फ्रॉम ट्वेंटी इंडियन लैंग्वेज नाइन्टीन नाइन्टी इस दिया एंड इंडियन वे ऑफ थिंकिंग नाइनटीन नाइंटी इसके अलावा बात करें तो वैन गॉड इज़ अ कस्टमा तेलगू कोटिशन सॉन्ग बाय uh, क्षत्रिय एंड अदर्स विद वेल चेरुनारायण राव एंड डेविड शर्मन नाइनटीन नाइनटी फोर में एंड अ फ्लावरिंग ट्री एंड अदर ओरल टेल्स फ्रॉम इंडिया नाइनटीन नाइनटी सेवन ही रोट सम ऐसेज एज वेल उनके कुछ ऐसेज भी हैं थ्री हंड्रेड रामायणस Uh, five examples and three thoughts on translation collection essays of A.K. Ramanujan collected essays. So, these essays hain. next we can talk about poetry. Poetry, mein, the strider and relation selected poems uh, in 1976. Second, uh, second site, the collected poems appearance in the following poetry anthologies. So, unka उनकी जो पॉइंस है वो इन एंथोलॉजीज में भी आ, सेलेक्ट हुई है इफ़ यू टॉक अबाउट हिज कन्नड पॉइंस एंड कन्नड वर्क्स सो फर्स्ट इज संस्कारा हुई सो इट इज़ ट्रांसलेटेड टू इंडिया टू इंग्लिश नो फ्लावर इन नेवल सो नो फ्लावर इन नेवल ये उनकी इंग्लिश में है सो ट्रांसलेशन नेम आप लोगों को याद रखना है एंड अदर पॉइंस हिया हॉप स्कॉच Uh, translated to english yet another man's autobiography and this one is next one is samagra complete works of ak ramanujan in kannada now one by one we will be looking at his important works so first is interior landscape so basically jo the interior landscape a sequence of love poems hai and uh, it is it is uh, classical tamil poetry to compose an unforgettable sequence of love poems the story unfolds in a series of dramatic exchange between shifting array of characters So it's my characters uh the lovers relative friend rival and sundry pass by and as it does it uh, does we are conducted through five phases of love यहाँ पे उन्होंने फाइव फेजेस ऑफ लव की बात की है फ्रॉम फर्स्ट मीटिंग एंगजाइटी इनफिडिलिटी एंड सेपरेशन, टू फाइनल यूनियन ईच एसोसिएटेड विद लश इंटीरियर लैंडस्केप ऑफ इट्स ओन तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें द इंटीरियर लैंडस्केप में उन्होंने शो की है और uh, उनके बारे में बात की है इमर्स्ड इन द ग्लोरीज ऑफ द नेचर नेचुर वर्ल्ड द पॉइम वर्कस द होल स्पेक्ट्रम ऑफ लव वाईल ऑल्सो कैप्चरिंग द गॉसिप एंड वॉइस क्रैकिंग ऑफ दोज हु लुक ऑन फ्राम आउटसाइड नेक्स्ट वन इज ओबिच्योरी ओबिच्योरी रिटर्न बाई ए के रामानुजन सो पहली चीज़ है कि जो ऑबिच्योरी है वो आपकी ए के रामानुजन ने लिखी हुई पोइम है रैमने सेंसेज इज फादर्स डेथ तो क्वेश्चन इसी तरह से आप लोगों के बनते हैं कि जो फादर्स उनके फादर की डेथ है उस पर उन्हों ए के रामानुजन ने कौन सी पॉइम लिखी है सो इट वॉज बाई ऑबिच्योरी इट वॉज ओबिच्योरी By ए के and the merit and meaning of the speaker's family life. The opening lines enumerate the list of things the father left behind as legacy. तो इसी पॉइंट में उन्होंने अपने फादर के बारे में लिखा है कि जो भी चीज़ें उन्होंने एज अ लीगेसी छोड़ के गए हैं अपने बच्चों के लिए हिसबल हीप टू विद न्यूज़ पेपर्स फुल ऑफ डस्ट डेट एंड डॉटर्स तो लीगेसी में क्या क्या छोड़ के गए हैं वो न्यूज़ पेपर का एक ढेर और फुल ऑफ डस्ट धूल भरा है डेट उनको कुछ कर्ज देने हैं एंड डॉटर्स और डॉटर्स हैं द स्पीकर दैट द फादर लेफ्ट दे ओनली विद ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेश के रामानुजन यहाँ पे बताते हैं उनके कि जो फादर ओविचुअरी में उनके फादर ने उनके लिए आ, इस पॉइंट में क्या क्या छोड़ के गए तो सिर्फ ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशन ही छोड़ के गए हैं मीन्स परेशानियाँ छोड़ के गए हैं द न्यूज़ पेपर्स आर जस्ट स्टिल पीस ऑफ पास्ट न्यूज़ एंड द फादर ऑफ हिज ओन हैज़ नॉट कंट्रीब्यूटेड मच इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी उनका कहना है कि उनके फादर ने क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी में कुछ भी आ, कोई कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है डॉटर्स आर कंसिडर टू बी सोर्स ऑफ बर्डन इन इंडिया नो लेसर दैन डेट्स और जो डॉटर्स हैं Uh, उनको भी उन्होंने इस तरह से शो किया है कि इज इक्वल टू डेट्स अब यहाँ पे क्वेश्चन इसी तरह से uh, हम कहें कि एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जो पोइट्री से तो इसी तरह से होते हैं कि डॉटर को किससे कम्पेरि कंपेरिजन किया गया है फ्लावर वेसल और आप कह सकते हो डेट सो डेट विल बी द आंसर सो इन दिस इन दिस वे यू शुड नो द डिटेल्स ऑफ द पोइम्स पेरेंट्स आर इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिंग दैम ऑफ विद एडिकुट डावरी टू सुट दियास अब जो डॉटर्स हैं उन्हें बर्डन क्यों कहा गया है बिकज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैरिंग दैम ऑफ और उसके लिए जो डावरी देनी होती है वो सभी क्या हैं इसलिए उन्होंने उनको बर्डन कहा है डॉटर्स uh, को इन अ कॉन्ट्रोवर्स कन्वर्सेशनल टोन कन्वर्जेशनल टोन रेमनीसेंट ऑफ फिलिप लार्किन ही टॉक्स अबाउट दी ग्रैंडसन नेम्ड आफ्टर द फादर हु हैड इनकरबिट ऑफ यूरिनेटिंग इन बैट और उन्होंने ग्रैंडसन का भी इसमें जिक्र किया है जिसको कि एक उसकी हैबिट है यूरिनेटिंग इन बैट बैट पर यूरिनेट करने की दी हाईलाइट्स दैट द पॉइट्स फादर लेफ्ट बिहाइंड नथिंग बट ओनली मैमरीज इन दी फॉर्म ऑफ डेबरीज और uh, सिर्फ कस्टों की ही मैमरी है एंड He claims that the grandson was named after his father by chance, literally meaning luckily. However, signifying the opposite. और उनका कहना है कि जो grandson है उनका उसके father का means उनका खुद का बेटा होगा. So उसका नाम जो है वो luckily है उसका नाम. But uh, it's just opposite. His father was opposite. Added to the legacy uh, is a dilapidated house. दे पॉइट मेन्शंस डेट दिपिट हाउस लींट ऑन दी कोकोनट ट्री दो देर ग्रोइंग ईयर्स यहाँ पे हम अपने हाउस के बारे में बताते हैं कि ये क्या है इस तरीके से डेक्रिपिट डेक्रिपिट मीन्स होता है जीण शीण मीन्स बिल्कुल टूटा फूटा तो बिल्कुल गिरने वाला घर है अब और ये जो घर है वो क्या बता रहा है दे डिटीरियोशन इन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज अपेरेंट फ्रॉम द मेटाफर ऑफ द हाउस तो एक जो हाउस है उसे uh, जो डेकोरेट हाउस है उसे उन्होंने मेटाफर के रूप में लिया है सो so, बहुत बुरी स्थिति में उन्होंने अपनी लाइफ जी है फॉर द मोर इट मे बी ऑल्सो सिग्नीफाई दैट द फैमिली हैड टू लिव अ पैरासिटिक लाइफ बोर्ंग फॉर अदर्स द वे दाउस लींस ऑन दी कोकोनट ट्री और uh, जैसा कि जो हाउस है वो कोकोनट ट्री पर uh, झुकाव हुआ है इसी तरह से लोग जो उस फैमिली में रहते हैं कि रामानुजन की फैमिली में रहते हैं वो भी आ, उसी तरह से लोगों पर डिपेंड है द पॉइट अटर्स दैट हिज फादर बींग बर्निंग टाइप बर्न प्रॉपरली एट द क्रमिशन और इसी तरह से वो अपने फादर के बीच में अपने फादर के बारे में सारी चीज़ें बताते हैं रिवो दूसरी पॉइंट जो है वो रिवो है जब भी हम किसी पोइट्री के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम यहाँ पर ट्रांसलेशन uh, नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ उनके कुछ फैक्ट्स उठा के देख रहे हैं सो so, अगर आपको डिटेल uh, में चीज़ें याद रखनी हैं तो आप पो के साथ में इन्हें देख सकते हैं बट फॉर योर टी जी टी पी जी टी और एल टी लेक्चर लेवल इन लेवल पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स आपको पूछी जाती हैं सो so, डिटेल्स पे आपको फोकस रखना है मीनस पब्लिकेशन डेट्स उनके कंपोजर uh, पोइट्स और uh, उस पोइम का जो बैकग्राउंड है अगर कहीं से इंस्पिरेशन uh, है पोइट की कि उन्होंने जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि ए के रामानुजन की जो थी वो फ़िलिप लार्किन से उन्होंने कुछ आइडिया लिया था तो उन्हें कई बार ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं सो नेक्स्ट पोइम इज रिवर द पोइम इज ऑल अबाउट रिवर वैगाई सो वैगई सॉरी ये जो पॉइम है ये वैंगई या वैगई इसे कहा जाता है तो रिवर जो है वो वे गई है विच फ्लोज थ्रू द हार्ट ऑफ मदुरई सिटी एंड सेंटर ऑफ तमिल कल्चर और ये तमिल कल्चर के लिए का सेंटर भी है वेगई रिवर तो इसी तरह से पूछा जाता है कि जो रिवर पोएम है उसमें किसका जिक्र किया गया है सो इट वॉज़ द वर्ड मदुरई मीन्स अ स्वीट सिटी और जो मदुरई है उसे आ, क्या कहा जाता है स्वीट सिटी मीन्स उसका मीनिंग ही स्वीट सिटी है एंड इट इज़ अ तमिल वर्ड और मदुरई क्या है एक तमिल वर्ड है as a matter of fact this city is the seat of tamil culture and learning uh, it is also a holy city full of temples including the famous Minakshi temple the poet have written many poems on the temples and river in the poem or river the poet presents two strikingly contrasting picture of river a vivid picture of river in the summer season and the river in its full flow when the flood arrives uh, with devastating fury तो यहाँ पे दो सिचुएशन एक सीम रिवर की बताई गई है एक तो समा में जबकि वो फुल फ्लो में जब वो विविड पिक्चर उसकी होती है और बाद में उसकी जो पिक्चर होती है सो व्हाट ही हैज टॉक्ड अबाउट इन दिस पॉइम एंड इन दिस समा द रिवर इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी तो पॉइंट में ये बताया जाता है कि जो वगैरह रिवर है वो बिल्कुल एम रहती है समय में और ओनली वेरी थिन स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोज और बहुत कम उस पर क्या होता है पानी होता है सो सैंड रिप्स ऑन द बेड ऑफ द रिवर आर विजिबल दे स्टोन्स दैट लाई ऑन द बेड नाउ ऑफ द रिवर ऑल्सो एक्सपोज टू व्यू जो वहाँ पे स्टोन्स हैं यहाँ तक कि जो बहुत नीचे स्टोन्स होते हैं वो भी दिखाई दे रहे होते हैं ऑन सैंडी बेड कुड बी सीन the hair and straw clogging the water gates the iron bars under the bridge are the need to need of repair to unhone isme jo iron bars hain bridge ke jo pul ke usme unhon unka kehna hai ki ye repair unko karne ki zarurat hai the wet stones are all alike the sleeping crocodiles aur uh, jo wet stones स्टोन्स है उनको उन्होंने किससे कंपैरिजन किया है वो क्रोकोडाइल से किया है The dry stones लुक लाइक द शेवन वफेलोस और जो ड्राई स्टोन्स है सूखे स्टोन्स हैं वो शेवन वफेलोस से उन्होंने कंपेरिज़न किया है तो इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग धीरे धीरे जो एक हम कहें कि जब हम पढ़ते हैं तो जो क्वालिफाई करता है एग्ज़ाम और जो क्वालिफाई नहीं कर पाता है बहुत पढ़ने के बाद भी उसके पीछे ये भी एक रीज़न होता है कि हम एक तरह से जब पढ़ रहे होते हैं तो हम क्वेश्चन फॉर्म नहीं कर पाते ब्रेन में तो क्वेश्चन फॉर्म करना शुरू कीजिए या आप एक बार चीज़ों के बारे में क्वेश्चन को जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो वो खुद से ही ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन फॉर्म करने की आदत डालिए कि जिस टॉपिक को आपने पढ़ दिया ट्वेंटी फाइव क्वेश्चनस आप फॉर्म कर सकते हैं जैसे पब्लिकेशन डेट एंड अदर थिंग्स तो इससे क्या होगा कि जब आप पढ़ेंगे तो आपका मोटिवेशन बना रहेगा तो इसमें जो वेट स्टोन है उसे कंपैरिजन किया हुआ है स्लिपिंग क्रोकोडाइल से ड्राई स्टोन को शेवन बफेलो से किया गया है इट इज़ अ वंडर फॉर द पॉइट बिकॉज नॉट टू ऑफन सच सीन्स आर डिस्क्राइबड बाय द पॉइट और पॉइट के लिए ये एक वंडर वाली चीज़ है uh, वो खुद आश्चर्यचकित है कि बहुत सारे लोग इसको इस तरह से डिस्क्रिप्शन uh, नहीं करते हैं या डिस्क्राइब नहीं करते हैं ऑल दो सिम्बलाइज दटा रिचनेस एंड डि जनरेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशन इन हिंदू कल्चर ड्यूरिंग द रेनी सीजन वैन द फल हिट एंड दोइ्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ऑब्जर्व इट एंक्शसली और पोइट uh, क्या करता है इन जो, जो भी चेंजेस सोसाइटी uh, में हो रहे हैं उनको एंक्शसली ऑबजर्व uh, करने की कोशिश करता है दे रिमेंबर द राइजिंग ऑफ द रिवर इंच बाई इंच फ्राम टाइम टू टाइम और वो रिवर को बढ़ते हुए धीरे धीरे देखते हैं थ्री हंड्रेड रामायणाज़ फाइव एग्जाम्पल्स एंड थ्री थाट्स ऑन ट्रांसलेशन तो ये उनका थ्री हंड्रेड रामायणाज जो है वो एक ऐसेज था इन दिस कॉन्ट्रोवर्शियल ऐसे रामानुजन विशेष टू एग्जामिन हाउ दी हंड्रेड्स ऑफ टेलिंग ऑफ रामायणस आर डिफरेंट कल्चर्स लैंग्वेज एंड रिलीजियस ट्रेडिशन रिलेट टू ईच अदर वट गेट्स ट्रांसलेटेड ट्रांसप्लानटेड एंड ट्रांसपोज और उनका कहने का मतलब है कि जो रामायण है रामायण अलग अलग चीज़ों में अलग अलग कल्चर में अलग अलग लैंग्वेजेज रिलीजन ट्रेडिशन में किस तरह से रिलेट ले है द मेन आर्ग्यूमेंट इज़ दैट ऑल टैलिंगस इंक्लूडिंग वट आर डीम्ड एज़ औरिजनल इन्विटेबली हैज़ थ्री एलिमेंट आइकॉनिक इंडेक्सिकल डेक्सिकल एंड सिम्बॉलिक विल सी वट दीज लेटर तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उन्होंने जो उनका आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि ओरिजिनल कौन सी है राइट सो सिंस ईज टैलिंग हैज डिफरेंट प्रपोर्शन ऑफ दिज थ्री एलिमेंट्स नो टैलिंग इज ईद ओरिजिनल और इवन आर टैलिंग तो यहाँ पर जो ओरिजिनलिटी है उनके बारे में उन्होंने डिस्कशन किया है एकोलॉजी उनकी नेक्स्ट पॉइम है द पॉइम इकोलॉजी इज टेकन फ्रॉम ए के रामानुजन थर्ड वॉल्यूम ऑफ पॉइंस सेकेंड साइड डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1986 तो उनकी जो पॉइम थी कलेक्शन ऑफ जो वॉल्यूम था उनका उसका नाम था सेकेंड साइट और जो पॉइम है वो है आपकी इकोलॉजी दिसर इज बाई ऑल अकाउंट्स द आर्टिस्ट हिमसेल्फ और सम फैंसफुल इंडिविजुअल हु इज डिपेंडेंटली डिवोटेड टू हिज मदर यू कैन सी दीकर ऑफ द पॉइम जो इकोलॉजी पॉइम है उसमें जो आर्टिस्ट है ही इज़ डिवोटेड टू हिज मदर वो अपनी मदर से काफ़ी uh, हम कहें कि बहुत ज़्यादा डिवोटेड है टूवर्ड्स हिज मदर ही इज़ एक्सट्रीमली फ्यूरियस ऑन द ग्राउंड दैट हिज मदर हैज़ अ सीरियस काइंड ऑफ हेडेक और इस बात से काफ़ी uh, परेशान है कि उसकी जो मदर है उसको क्या है एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ एक सीरियस काइंड ऑफ क्या है हेडेक है एंड ऑफल सॉर्ट ऑफ माइग्रेन Frequently making the person to vomit, which is caused by the aroma of the dust of the blossom of the red chumpak east time, uh, is in sprout. So, its mother ko kya hai? Ek, uh, kind of migraine hai. Uh, So now you can uh, frame a question. Ki ah, uh, jo hai, usme jo poet ki mother hai, unko kya, problem hai? So it's kind of migraine, or she has headache, and she vomits uh, out of it uh, because of it. और माइग्रेन की वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है और जब एरोमा जो डस्ट ऑफ ब्लॉजम जब फूल खिलते हैं रेड चंपक के तो उन्हें क्या होता है उस एरोमा से उन्हें प्रॉब्लम होती है दिस पॉइंट डिपिक्ट्स रामानुजन सॉलिड एंथजाइजम फॉर द फैमिली एंड आर्ड एंड लव फॉर हिज मदर और जो रामानुजन है उन्होंने शो किया है अपना जो एक अफेक्शन है उनका और जो उनका आर्डेंट लव है अपनी मदर के लिए उसको उन्होंने शो करने की कोशिश की है दी पॉइट डिस्क्राइब्स अ सन्स कंसर्न फॉर हिज मदर एंड ऑल्सो अबाउट द लव ऑफ मदर विद नेचर और इन्वायरमेंट अब यहाँ पे जो पॉइट है वो डिस्क्राइब करते हैं अपना जो उनका कंसर्न है चिंता है अपनी मदर के लिए और उसका जो लव ऑफ लव ऑफ मदर विद नेचर एंड इन्वायरमेंट ये दोनों के दोनों क्या हैं उन्होंने शो किया है इस पॉइंट में द मानसून सीजन वॉज नॉट अ फेवरेट ऑफ द पॉइट एज इट मीन दैट हिज मदर वुड हैव टू सफर फ्राम एलगरी कॉज्ड बाई पॉलिन फ्राम द चंपक ट्री सो यहाँ पे इट्स नॉट एलगरी इट्स एलर्जी सो हियर एक्चुअली जो मानसून सीजन है उसमें क्या है पॉइंट कहता है कि ये मेरा फेवरेट नहीं है और क्यों फेवरेट नहीं है क्योंकि उनकी मदर जो है उनको सफ़र करना पड़ता है उन्हें एलर्जी हो जाती है जो पॉलिन निकलते हैं कौन सी ट्री यहाँ पे रेड चंपक ट्री की बात की जा रही है ठीक है तो ऐसी चीज़ों को आप लोगों को याद करना है या आप नोट डाउन कर सकते हैं सो नेक्स्ट वन इज द स्ट्राइडर्स सो द स्ट्राइडर पोएम इज़ वन ऑफ द वेल नोन पोएम बाय ए के रामानुज दैट गिव्स द आइडिया दैट दंस्ट्रक्टिव एनालिसिस ऑफ इंडियन सेंसबिलिटी पॉइंट तो यहाँ पे जो पॉइंट है स्ट्राइडर पोएम है वो एक इंसेक्ट के बारे में बात करता है वी विल सी लेटर दिस पोएम एक्सप्लेन्स अबाउट द ह्यूमन बीइंग हु इज़ वेरी पावरफुल इन एवरी एस्पेक्ट और इस पोएम में जो ह्यूमन uh, बीइंग है उसके हर एस्पेक्ट के बारे में बात की गई है स्ट्राइडर इज़ अ स्मॉल वाटर इंसेक्ट जो स्ट्राइडर है वो बेसिकली क्या है आपका एक स्मॉल वाटर इंसेक्ट है पानी में रहने वाला इंसेक्ट है विच इज़ अ न्यू इंग्लिश नेम फॉर इट और स्ट्राइडर उन्होंने उसका न्यू नेम रखा है इंग्लिश में नॉट इंग्लैंड बट इंग्लिश इंसेक्ट मे बी स्मॉल बट ही एक्सप्लेन इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स और जो इंसेक्ट है वो छोटा तो है बट जो पॉइंट है उसने उसको अलग अलग एंगल से एक्सप्लें करने की कोशिश की है इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पॉइम ही गेव द आइडिया अबाउट हिज फिज़िकल अपियरेंस एंड मेड इट सोर्स ऑफ आइडिया और फिज़िकल uh, अपीरेंस के बारे में उन्होंने पूरा डिस्कशन किया है और उसे सोर्स ऑफ आइडिया बनाया

और उनका कहना है कि जो ह्यूमन आइडियाज़ होते हैं वो बबुलर्स की तरह होते हैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं और जाते हैं एक्सप्लेन अबाउट इंडियन ट्रेडिशन एंड लिंक्ड द एनशियट टाइम टू प्रेजेंट टाइम डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ दैट विच वॉज गें थ्रू योगा सो दैट ही कुड वॉक ऑन दाटर विदाउट सिंकिंग अब उनका कहना ये है कि जो इंडियन ट्रेडिशन के बारे में बात करते हैं एनशियन टाइम से प्रेजेंट तक वो कहते हैं कि जो इंसेक्ट है वो पानी पर इसलिए चल पा रहा है क्योंकि उन्होंने योगा के जरिए इसको गेन uh, किया है मीन्स इस कैपेबिलिटी को ह्यूमन बींग इज़ वेरी पावरफुल बिकॉज दे हैव नॉट ओनली कनकुअर्ड द लाइट बट ऑल्सो द स्काई उन्होंने लाइट को हो गया या स्काई को हो गया सभी को कंक्वेर कर लिया है लेट सी सम ऑफ द एम्सक्यूज फ्राम ए के रामानुजन लास्ट में एम्सक्यूज देख लेते हैं ए के रामानुजन वॉज बॉर्न इन विच या कब उनका जन्म हुआ था So, it was 1929. A.K. Ramanujan won Sahitya Akademi Award in A.K. Ramanujan ne Sahitya Akademi Award kab mila tha? So, 1999. Which of the following works of A.K. Ramanujan got extreme controversy? Jo controversial work tha, unka wo kaun sa tha? It was the 100 Ramayanas Three Thoughts of Translation. The interior landscape love poem from classical Tamil Anthology is a good example of his work. इंडियन फोक लॉर स्टडीज़ वैन वॉज ऑबरच्य पब्लिश जो ऑबरी थी वो कब पब्लिश हुई थी इट वॉज इन नाइनटीन सेवेंटी वन वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑवरच्य अटिस डेथ अ रिवर इज अ पॉइंट टेकन फ्रॉम दिस राइडर एंड कैन यू राइड डाउन इन कमेंट बॉक्स की जो रिवर है उसमें कौन सी रिवर के बारे में बताया गया था लेट्स चेक योर नॉलेज आपका नॉलेज हम देखते हैं कि रिवर जो है वहाँ पे कौन से रिवर के बारे में बात की गई थी ए के रामानुजन डायड ऑन उनका जो उनकी जो डेथ हुई थी वो कहाँ कब हुई थी इट वॉज ऑन थर्टीन जुलाई नाइनटीन नाइनटी थ्री शिकागो एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स हैव नॉट रिटन बाय ए के रामानुजन सो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन वी नो सो राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स अगेन दैट हु रोट द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन नेक्स्ट इज ऑबिश्योरी इज अ पॉइम बाय तो ऑबिश्योरी किसकी पॉइं है ये के रामानुजन की है सो विद दिस वी एंड दिस सेशन एंड होपफुली यू लाइक दिस सेशन एंड इट इट विल हेल्प यू टू गेन सम नॉलेज अबाउट ए के रामानुजन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स यू इन नेक्स्ट वीडियो